दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप कर्नाटका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 में शामिल होने वाले हैं और इस इम्तिहान में बेहतर तैयारी के लिए मुकम्मल मवाद चाहते हैं तो आप हमसे जरूर राब्ता करें। हमारे पास उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों नोट्स दस्तयाब है। कर्नाटका स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कर्नाटका टीईटी के पेपर वन और पेपर टू के लिए जो सिलेबस जारी किए हैं, हमने उसके एक एक टॉपिक को कवर किया है। हमारे नोट्स पीडीएफ की शक्ल में आपके व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। हम इस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारी तैयारी एग्जाम तक होगी। मुकम्मल मवाद में आपको पीडीएफ नोट्स के अलावा सजेस्टेड वीडियोज, लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह दस्तयाब किए जाएंगे। हमारे नोट्स में सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स के अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी रब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। कर्नाटका टीटी 2023 उर्दू ग्रामर के चौथे क्लास में हम रमूज़े औकाफ को समझेंगे। इंग्लिश में रमूज़े औकाफ को पंक्चुएशन कहते हैं। किसी भी जबान में पंक्चुएशन का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। रमूज़े औकाफ ही जबान के मतलब को समझाता है। आइए हम रमूज़े औकाफ और उसके तरह तरह के अकसाम को डिफाइन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों रमूज़े औकाफ को अंग्रेजी में पंक्चुएशन विराम चिन्ह कहते हैं। औकाफ का मतलब ही होता है अलग करना, चाहे वो एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करे या एक ही जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करे। कहने का मतलब यह है ये रमूज़े औकाफ अलग करने का ही काम करता है, दो जुमले को या एक जुमले के दो हिस्से को, और पढ़ने वाले को वक्फे का एहसास दिलाता है कि कितना ठहरना है, कहाँ ठहरना है। इस तरह जुमले का मतलब जो है अखज होता है। उर्दू में रमूज़े औकाफ के बहुत सारे इलामात राइज हैं, लेकिन हम उन इलामात को देखने वाले हैं जिनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होता है। सबसे पहला रमूज़े औकाफ है खत्मा। इसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप, पूर्ण विराम हिंदी व्याकरण में कहते हैं। उर्दू जबान में हर जुमले के खात्मे पर जो अलामत लगाई जाती है उसे खत्मा कहते हैं। खत्मा दो जुमलों को एक दूसरे से जुदा करता है, यानी कोई भी आप जुमला लिख रहे हैं तो उसके आखिर में एक फुल स्टॉप दिया जाता है, एक खास तरह की अलामत दी जाती है जिसे खत्मा कहते हैं। ये जो अलामत आप देख रहे हैं इसे ही खत्मा कहते हैं। यहाँ पर एक जुमला ये हो गया, दूसरा जुमला ये हो गया। किसी भी मजमून में एक से ज्यादा जुमला होते हैं, खत्मा ही एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करता है। कहाँ पर बात खत्म होती है, कहाँ से बात शुरू होती है, खत्मा से ही पता चलता है। अगली जो अलामत है वो है सख्ता। इसे अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। किसी भी जुमले में जब थोड़ा सा ठहराव आए तो जगह एक खास अलामत इस्तेमाल होती है, उसे ही सख्ता कहते हैं। इसकी जो निशान होती है उल्टे वाव के बराबर होती है। आप देख पा रहे होंगे इसको जब आप पलटेंगे तो वाव बन जाएगा, जो हरूफ़े तहजी में आता है उसी को उल्टा करेंगे तो सख्ता की अलामत बन जाएगी। इसका काम यह है कि ये जुमले के बाद अज्जा को जुदा जुदा रखने में और इबारत को समझने में मदद मिलती है। आइए कुछ एग्जाम्पल देकर समझाते हैं सख्ता किस तरह से जुमला के माना को तब्दील कर देता है। मिसाल के तौर पर जब किसी जुमले में तीन या तीन से ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल होते हो तो आखिर में और लेकिन उससे पहले सख्ता का इस्तेमाल होता है।
जैसे कहा गया कि आपका फैसला बर वक्त दुरुस्त और मतवाजन था, यानी फैसले के बारे में कहा गया था कि ये दुरुस्त भी था, मतवाजन भी था और वक्त पर भी था। तीन बातें कही गई एक ही बात के सिलसिले में। ऐसी जगह पर सख्ता का इस्तेमाल होता है। दूसरी मिसाल है, मैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम और लाहौर से होता हुआ कराची पहुंचा। यहां पर मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं जो है चार शहर को घूमते हुए पांचवा शहर पहुंचा। यहां पर आखिर में और लेकिन उससे पहले सख्ता का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह एक ही दर्जे के जोड़ा जोड़ा लफ्जों से बने हुए जुमलों के दरमियान भी सख्ता का इस्तेमाल होता है। जैसे नजला हो या जुकाम, खांसी हो या बुखार, ये दवा हर हाल में मुनासिब है। नजला जुकाम एक जोड़ा हो गया, खांसी बुखार एक जोड़ा हो गया, यहां पर दोनों को अलग करने के लिए कौमा का इस्तेमाल हुआ है, सख्ता का। वक्त पर अगर सख्ता का इस्तेमाल न किया जाए तो जुमला के माने तब्दील हो जाते हैं। आप कहीं पर भी सख्ता हटाइए, उसके बाद पढ़ के देखिए क्या जुमला का माना बदलता है या वही रहता है। यहाँ जुकाम और खांसी दोनों एक दूसरे से अलग है, दोनों अलग अलग बीमारी है। सख्ता हटा देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि जुकाम खांसी एक बीमारी है या दोनों अलग अलग। इसी तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों अलग अलग शहर है, ये बात आपको सख्ता की वजह से ही पता चलता है। अगर हम सख्ता को हटा दें तो आप ये समझेंगे कि इस्लामाबाद रावलपिंडी एक ही शहर का नाम है। इसी तरह सख्ता जो है जरूरी होता है जुमलों के दरमियान जहां ठहराव की जरूरत होती है। और दूसरे जगह भी सख्ता का इस्तेमाल होता है, जैसे जुमले के अज्जा की तशरीह की जाए। किसी झील की तशरीह की गई है, इसकी गहराई, इसकी चौड़ाई को लेकर यहां पर भी सख्ता का इस्तेमाल हुआ है। किसी इस्म या जमीर के बारे में कुछ लिखा जाए तो उसके बाद भी सख्ता का इस्तेमाल होता है। जब दो छोटे छोटे जुमले को मिलाकर एक बड़ा जुमला बनाया गया हो तो दोनों छोटे जुमले के दरमियान सख्ता का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जुमले के उलझाव को दूर करने के लिए भी सख्ता का इस्तेमाल होता है, ताकि लोग बड़े से जुमले को ठहर ठहर कर पढ़े। एक साथ जो है चार चार नाम आ रहे हैं तो जुमले के उलझाव को दूर करने के लिए सख्ता का इस्तेमाल किया गया है, ताकि चारों नाम को एक दूसरे से अलग समझा जाए। रमूज़े औकाफ की तीसरी अलामत है सवालिया या इस्तफामिया। नाम से ही स्पष्ट है कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन को सवालिया या इस्तफामिया कहते हैं। सवालिया या इस्तफामिया में सवाल पूछा जाता है, तब इसका इस्तेमाल होता है। इस्तफाम के मतलब भी होते हैं दरियाफ्त करना, पूछना, सवाल करना। जब किसी जुमले में हरूफ इस्तफाम यानी कब, कैसे, किम और कहां के हवाले से कोई बात पूछी जाए तो आखिर में लगाए जाने वाले निशान को सवालिया निशान या इस्तफामिया निशान कहा जाता है। अगर आपसे कोई कुछ सवाल पूछ रहा हो तो आखिर में फुल स्टॉप, खत्मा न हो करके सवालिया निशान, अलामत इस्तफामिया का इस्तेमाल होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आपकी उम्र क्या है, आपने क्या खाना खाया, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका नाम क्या है, इस तरह कुछ भी किसी से सवाल पूछा जाए तो जुमले के आखिर में जिस साइन का इस्तेमाल होता है उसे साइन ऑफ इंटेरोगेशन, सवालिया या इस्तफामिया अलामत कहते हैं। अगली मिसाल है निदाइया, फजाइया या इस्तेजाबिया। साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन का तीन नाम है, एक है निदाइया, दूसरा है फजाइया, तीसरा है इस्तेजाबिया। जब किसी जुमले में किसी को मुखातिब किया जाए
हैरत या जज्बात का इजहार किया जाए तो उसके आखिर में जो अलामत लगाई जाती है उसे खिताब या निदाइया, इस्तेजाबिया या फिजाइया कहते हैं। आम जिंदगी में भी होता है कि हम अचानक कुछ ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिससे हैरत का इजहार होता है, हम जज्बे का इजहार करते हैं, किसी को मुखातिब करते हैं। ऐसी जगह पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, निदाइया या फिजाइया अलामत का इस्तेमाल होता है। इसकी अलामत आप देख पा रहे होंगे, छोटा सा अलिफ उसके नीचे पॉइंट दे देना है। इसका इस्तेमाल वहीं पर होता है उसी अल्फाज के बाद जहां पर हम जज्बे या हैरत का इजहार करते हैं। हाय अल्लाह ये कैसा हुआ, हाय अल्लाह उस वक्त हम बोलते हैं जब हम हैरत का इजहार करते हैं। वाह वाह ये एक जज्बे को बतलाता है, हम किसी को शाबाशी दे रहे हैं, बहुत खूब तुमने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया। किसी को कुछ कहने से पहले हम बहुत खूब का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी को हौसला दे रहे होते हैं, किसी के जज्बात को बढ़ा रहे होते हैं। ऐसे जगह पर भी इस्तेजाबिया अलामत का इस्तेमाल होता है। जब हम किसी को खिताब कर रहे होते हैं तो इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं, इस इस्तेजाबिया अलामत को खिताबिया अलामत भी कहते हैं। मंच पर आपने सुना होगा सदरे मोहतरम, खातून हजरात, लोगों, भाइयों बहनों, प्यारे भाइयों, हजराते ग्रामी, इन सब अल्फाज के बाद खिताबिया निशान लगाए जाते हैं। ताज्जुब की सूरत में यही इस्तेजाबिया कहलाते हैं, यानी फिजाइया, इस्तेजाबिया, खिताबिया सब के सब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। अगला जो रमूज़े औकाफ है वो है वावीन, इसे इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी का कौल, बयान या किसी इबारत से कोई इक्तवास दर्ज करना हो तो उसके शुरू और आखिर में लगने वाले निशानात को वावीद कहा जाता है। किसी के कौल को हम लिख रहे हो, किसी इक्तबास से कुछ जुमला उठा रहे हो तो कहां से कहां तक हमने उठाया है, किसी ने कहां से कहां तक बोला है, ये वावीन के अंदर ही लिखा जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अकरम बोला मैं खाना खाऊंगा, अकरम क्या बोला है उसको दो कॉमा के बीच में लिखेंगे, इसे इन्वर्टेड कॉमा या वावीन कहते हैं। सर सैयद अहमद खां अपने एक मजमून खुशामद में लिखते हैं, यानी सर सैयद अहमद खां की मजमून है खुशामद, इसे हमने वावीन के अंदर लिखा, जिससे पता चलता है कि खुशामद जो है इसका ताल्लुक सर सैयद अहमद खां से है। सेम टू सेम हम किसी के कौल को लिख रहे हैं, उसमें हम रद्दो बदल नहीं कर रहे हैं, ऐसी सूरत में वावीन का इस्तेमाल होता है दो कौमा के अंदर इन्वर्टेड कौमा में किसी के अल्फाज को, किसी के अकवाल को लिखा। अगला रमूज़े औकाफ है तफसीलिया, किसी भी इबारत के बारे में हम कुछ तफसील से लिखते हैं तो इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। इस अलामत को आप देख पा रहे होंगे, दो बिंदु दे करके एक डैश का निशान खींच देते हैं। इसमें होता क्या है कि इबारत में असखासी जो शख्स की जमा है किसी शख्स के बारे में, किसी मकाम के बारे में यानी जगह के बारे में या चीज के बारे में तफसील देते हैं तो इस अलामत का इस्तेमाल होता है, जिसे अलामत तफसीलिया कहा जाता है। ये निशान ऊपर तले दो छोटे छोटे नुक्ते और उनके आगे एक खत्मा पर मुस्तमिल होता है, ऊपर नीचे दो नुक्ता दिया उसके बाद एक खत्मा दिया। ये निशान आम तौर पर उन जुमलों के आखिर में लगाया जाता है जिनमें हस्ब ज़ैल, मुंदरदा ज़ैल, नीचे लिखे गए वगैरह इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हम जब तफसील लिखेंगे किसी का तो नीचे ही लिखेंगे, हस्ब ज़ैल हैं,
सर सैयद अहमद खां की हयाती जिंदगी दर्द ज़ैल है, इस तरह हम लिखा करते हैं। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, मुंदरदा ज़ैल अल्फाज को अपने फिक्रों में इस्तेमाल कीजिए, यानी नीचे जो अल्फाज हैं उन्हें इस्तेमाल करना है। अक्सर यह होता है कि ये सब अल्फाज जो है दोहराए जाते हैं तफसीर या जुमले में, और इसके आखिर में खत्मा ना होकर के अलामत तफसीरिया इस्तेमाल होता है। अगली जो रमूज़े औकाफ है वो है कौसीन, जिसे ब्रैकेट कहते हैं। इबारत में जुमला वो तर्जा या अंदरूनी वजाहत बयान करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे कौसीन कहते हैं। जुमला में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो जाते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि कोई डिटेल जानकारी दे देनी चाहिए। ये डिटेल जानकारी जो है कौसीन के अंदर दिया जाता है, जैसे मेरा भाई असलम जो सबसे छोटा था गुज़श्ता माह वफात पा गया। असलम के बारे में बताया जा रहा है कि असलम कौन है, मेरा भाई तो है लेकिन भाई में सबसे छोटा है। जुमला में ये नहीं भी रहेगा फिर भी जुमला मुकम्मल है, लेकिन हम वजाहत कर रहे हैं ताकि जो पढ़ने वाले हैं अच्छे से समझ जाए। मेरा भाई असलम गुज़श्ता माह वफात पा गया, अभी भी जुमला मुकम्मल है लेकिन असलम के बारे में हमने ब्रैकेट में लिख दिया, कौसीन में लिख दिया कि वो सबसे छोटा था, इसे ही कहते हैं कौसीन ब्रैकेट। एक और मिसाल है, नासिर साहब जो हमारे पड़ोसी थे कल दुबई रवाना हो गए, इसको अगर आप मिटा देते हैं नासिर साहब कल दुबई रवाना हो गए, अभी भी जुमला मुकम्मल है लेकिन नासिर साहब है कौन, इसके बारे में कुछ वजाहत करनी हो तो कौसीन में हमने कर दिया वो हमारे पड़ोसी थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कौसीन का इस्तेमाल जो होता है जुमला मुतर्जा में होता है। जुमला मुतर्जा उसे कहते हैं जिसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से असल इबारत के मफहूम में कोई फर्क ना आए। अगर हम जुमला मुतर्जा का इस्तेमाल नहीं करें फिर भी इबारत में फर्क नहीं आएगा। दोस्तों, अभी हमने रमूज़े औकाफ को अच्छे से समझाया है, उसकी अलामत की आपको पहचान कराई है। उर्दू कवायद का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिससे आपके इम्तिहान में सवालात पूछे जाते हैं। दोस्तों, उर्दू कवायद के कंप्लीट नोट्स के साथ साथ आपके इम्तिहानात के ऑल सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सअप करके आप हमारा कंप्लीट नोट्स PDF प्रिंटेड मॉक टेस्ट सब कुछ हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।